आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे अपना जो है गैस का जो आप लोग का कनेक्शन दिया हुआ रहता है, तो आप लोग गैस का जो है डोमेस्टिक गैस का कस्टमर कार्ड जो है दोस्तों, इसमें आप लोग कैसे अपना नाम डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, या फिर अपना जो है डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना चाहते हैं, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं गैस कनेक्शन में, या फिर आप अपना जो है स्थिति चेंज कर लिए हैं कि आप अपना एड्रेस जो है वो आप चेंज करना चाहते हैं किसी दूसरे जगह, आप अगर गैस कनेक्शन को ट्रांसफर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग इजी ऑनलाइन जो है गैस कनेक्शन को ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लाइव बताऊंगा कैसे आप लोग जो है अपना गैस कनेक्शन में नाम चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ एड्रेस चेंज कर सकते हैं, या फिर आप लोग गैस कनेक्शन को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। केवल इस सारा जो प्रोसेस है दोस्तों, आप लोग को केवल एक ही प्रोसेस को फॉलो करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को केवाईसी फॉर्म जो है फिलअप करना है दोस्तों। अगर मान लें कि किसी पे डॉट है, किसी पे सस्पेक्टेड है कि वो एक से ज्यादा जो है गैस कनेक्शन ले लिया है एक ही कोई व्यक्ति, तो इसके लिए भी आपको केवाईसी का जो है जरूरी हो जाता है कभी कभी। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को जो है गैस कनेक्शन में के लिए जो है आपको इस कार्ड के लिए जो है आप ट्रांसफर भी कर सकते हो ऑनलाइन, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को लाइव बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं वो सारा चीज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से भी आप लोग जो है एलपीजी का जो है ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, गूगल क्रोम पे भी सर्च करके कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों मैंने पिछले वीडियोज में बताया था कि आप लोग रजिस्टर कैसे कर सकते हैं एलपीजी का नया कनेक्शन, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस लिंक पे, आप लोग को नया रजिस्टर करना है तो आप लोगों को उस पे जाना है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है मैं hpgas.in का जो एलपीजी का, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइए और आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है रजिस्टर फॉर एलपीजी पे नया रजिस्ट्रेशन करना है, और आप आज मैं इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप लोग जो है अपना जो है चेंज करना चाहते हैं, अपना जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर है नज़दीक, आप अगर लोकेशन चेंज किए हैं तो आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। तो नो केवाईसी जो है क्लिक है, नीड पे क्लिक करना है केवाईसी पे। केवाईसी पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे क्लियर कट दिखाई देगा कि डू आई नीड केवाईसी। अगर आपको केवाईसी की ज़रूरत है तो आप केवाईसी कर सकते हैं दोस्तों। अब हम जान लेते हैं कि केवाईसी किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप लोगों को ऑफिशियली जो है केवाईसी, अगर आप प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है या फिर आपको जो है ज़रूरी है कि रेगुलर चीज कनेक्शन के लिए, या फिर आपको कस्टमर के लिए ये ज़रूरी है कि वो आप अपना स्टेटस डोरमेंट चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप अपना कनेक्शन को चेंज या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आप अपना कनेक्शन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको केवाईसी का फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर बातें करें सेकेंड थिंग्स की, तो आप लोगों को जो है एलपीजी के जो तरफ से मिनिस्ट्री की तरफ से जो है ये क्लियर कट कर दिया है कि आपको ये सब्सिडीज़ के लिए ये आपको ज़रूरी है, आप ये भरना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें अकॉर्डिंग टू मल्टीपल कनेक्शन, अगर आप एक से दो कनेक्शन अगर आप लेते हैं तो आपको केवाईसी ज़रूरी है आपको, अदरवाइज आपको सरेंडर करना होगा केवाईसी, क्योंकि दोस्तों केवल आप एक ही कनेक्शन ले सकते हैं, इसके लिए आपको केवाईसी देना होगा दोस्तों, कि आप अगर दो कनेक्शन ले लेते हैं तो आपको सरेंडर करना होगा। और उसी की तरह से दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि आप एड्रेस फ्यूचर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है तो आपको ये केवाईसी करवाना सस्पेक्टेड है तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए क्लिक हेयर पर डाउनलोड केवाईसी फॉर्म पर क्लिक करना है। चलिए इसको क्लिक कर देते हैं। डाउनलोड केवाईसी फॉर्म जो है अब ये डाउनलोड हो चुका है। केवाईसी फॉर्मेट एचपी गैस के लिए है दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नो योर कस्टमर केवाईसी फॉर्म, यहाँ पे जो आपको ये भरना है, ये वर्जन 3 है। तो दोस्तों यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है, इसमें आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपको ये सारा डालना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जो है सारा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको पोस्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों एक फ़ोटो जो है पोस्ट कार्ड साइज का एक पेस्ट करना है यहाँ पे, और वहाँ पे आपको सिग्नेचर क्रॉस सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, उसके बाद गैस कंज्यूमर का नंबर देना है, उसके साथ क्लोज रिलेटिव है उसके पास, आपको ये मैंडेटरी है दोस्तों, या तो फादर या स्पाउस नेम है, मदर्स नेम है, ये डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फॉर एलपीजी कनेक्शन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये फिल करना है, हाउस नंबर नेम, फ्लोर नेम, आप लैंडमार्क, हाउस कॉम्प्लेक्स, स्ट्रीट नंबर, रोड नेम, सिटी, विलेज, टाउन, पिन कोड यहाँ पे फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर जो है आप, स्टेट, ईमेल एड्रेस फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का जो कैटेगरी कोड है दोस्तों, आप लोगों को कोड यहाँ पे भी डालना है, जो कि नीचे डिस्क्रिप यहाँ पे जो है सेकेंड पेज में
आपको मिल जाएगा फॉर्म के ही पेज में, जैसे कि यहाँ पे आपको कोड सारा डॉक्यूमेंट्स का अलग, उसके बाद आपको राशन कार्ड अगर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसका कार्ड नंबर, कोई ज़रूरी नहीं है। डिक्लेरेशन फॉर्म है ये दोस्तों, यहाँ पे आपको कंफर्म करना होगा। तो ये जो है दोस्तों केवल और केवल डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, ये आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है, एक्नॉलेजमेंट में भी कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप जो है कैसे फिलिंग कर सकते हैं केवाईसी फॉर्म को गैस कंज्यूमर के लिए, आप सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आपको जो है सारा कैटेगरीज का जो दोस्तों कोड है ये देख सकते हैं आप, यहाँ से लिख सकते हैं। अगर आप कैटेगरीज कोड आधार कार्ड UID लगाना चाहते हैं तो आपको POA01 जो है 01 लगाना है, या फिर आपको दिखाई दे रहा है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जो है सारा का कैटेगरी कोड है, यहाँ पे आप ये कैटेगरी कोड जो है देख सकते हैं, आधार नंबर का 01, पासपोर्ट का 02, इस तरह से आप ये जो है आप कोड को जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों आपको सारा फिल करना है और आपको नेम सिग्नेचर करना है ऊपर में, ये जो है दोस्तों आप लोगों को कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे केवल और केवल ये ऑफिशियल यूज है। ऊपर देख रहे हैं डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन आपको डिक्लेयर करना है, नेम एंड सिग्नेचर आपको भरना है, यहाँ पर डेट भी भरना है नीचे में, उसके बाद यहाँ पे कोड में जो है आप पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से जो है गैस कनेक्शन में जो अपना नाम, अपना एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप इसको जो ट्रांसफर करना चाहते हैं एक जगह से दूसरे जगह इसको ले जाना चाहते हैं, तो आप लोग इसी तरह से KYC फॉर्म को फिलअप कीजिए अच्छे से डाउनलोड करके, और वहां पे आप सबमिट कर सकते हैं अपने जो है नजदीकी जो है आपके डीलरशिप जहां से आप कनेक्शन लिया वहां पे जाके वो KYC फॉर्म को जमा कीजिए। दोस्तों आप लोग को वहां पे जो है वो सारे एक्नॉलेजमेंट दे दिया जाएगा, जो कि आपको जहां भी आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं वहां पे जाइए और उसको वहाँ पे एड्रेस ट्रांसफर का जो है फॉर्म लेके वहाँ पे आप जमा कर दीजिए, जहाँ से कि आपका गैस कनेक्शन का जो ट्रांसफर हो जाएगा सारा कुछ। तो इस तरह से आप लोग जो है ट्रांसफर या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो इजी वे में है बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से आप लोग जो इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से टेक और यूट्यूब और हेल्प से रिलेटेड वीडियोज पाने के लिए आप लोग अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह से टेक से रिलेटेड वीडियोज में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं सूरज कुमार आपका दोस्त, जय हिंद, वंदे भारत।